आज आपकी आंखों के सामने कुछ चलाना चाहता हूँ। हिंदू धर्म की कमजोरी, हिंदू धर्म के नाश के मूल जो कारण है उनको मैं बताने वाला हूँ। वो है इतिहास की गलतियों की पुनरावृत्ति ना हो, इतिहास की उन गलतियों का फिर से रिपीटेशन ना हो, फिर से उनको वापस से दोहराया ना जाए। अगर दोहराया गया तो हमारा नाश होना संभव। गलतियां होती है, भूल होती है, लेकिन बार बार भूल हो तो नाश कर देती। आपको पता है ना, बार बार भूल हो तो नाश कर देती है, सभी के साथ ही होता है। किसी भी धर्म का मूल आधार होते हैं, किसी भी धर्म का मूल आधार होते हैं उसके आराध्य। जैसा सभी धर्मों में बनाए गए हैं, हमारे जितने भी सनातन के अंदर हमारे निकले हुए हैं या अन्य जो पंच मजहब है उन्होंने भी अपने अपने बना के रखे हैं, उनके सम्मान का, उनके सबसे अधिक सम्मान का वो ध्यान रखते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक धर्म मात्र ऐसा है जिसने अपने देवी देवताओं का अपने ही देश में, दूसरे देश में किसी का हिम्मत नहीं है, कोई अमेरिका में हमारे देवी देवताओं का अपमान करने का नहीं सोचेगा, कोई अन्य देशों में नहीं सोचेगा, लेकिन इसी देश के अंदर हमारे देवी देवताओं का जो और अपमान होता है, जो और हमारे ही लोग कर रहे हैं, अब वो अनजाने में कर रहे हैं तो भी उनको सबक सिखाना होगा। वो अगर जानबूझ करके करते तो फिर तो उनके लिए कठोर दंड बनता ही है। तो मैं सभी से कह रहा हूं, आइए मैं आपको दिखाता हूं कुछ चीजें, हमने हमारे आराध्यों को कैसी स्थिति में ला दिया। ये देखिए, ये कुछ फोटोज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ स्लाइड शो के माध्यम से। ये देखिए, ये आजकल चल रहा है एक बहरूपिया कृष्ण भगवान बन करके, और गीता के बातों अनर्गल तरीके से, और उसमें जो नहीं लिखा वो भी चीजें, पड़ोसी के साथ कैसे रहना, प्रेमिका के साथ कैसे रहना, ऐसे रहना वैसे रहना, ये दृश्य दिखा दिखा करके, म्यूजिक चला करके, बैकग्राउंड दे करके, उसमें मिर्ची मसाला लपेट करके हमारे ही देश के अंदर हमारे ही आराध्यों को अपमानित करते हैं। हमारे ही देश में ये और कहीं नहीं होता, हमारे ही देश के अंदर ये कार्य कर रहे हैं, और इसी की वजह से हमारे लोगों के मन के अंदर, हमारे लोगों के मन के अंदर ऐसा भाव पैदा हुआ है, ऐसा भाव पैदा हुआ है जिसकी वजह से हमारे लोग अपने ही देवी देवताओं का क्या नहीं कर रहे, आदर नहीं कर रहे। एक एक बहन तो थी, वो रोज सुबह मुझे एक स्टेटस 30 सेकंड का इसका भेजती थी, ये बहरूपिया का, और वो बड़े उस तरीके से अलग ही, बिल्कुल जैसे भांड, माफ करना मुझे ये तो शब्द नहीं लेना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से बहरूपिया करते हैं, नच्चे नच्चे का ऐसे म्यूजिक चल रहा है और लड़कियां दौड़ रही है और ऐसा हो रहा और वैसा, मतलब कृष्ण भगवान के पूरे व्यक्तित्व को कैसा बनाया गया, वल्गर, किसके द्वारा, हमारे ही देश के अंदर। अगर ऐसा का ऐसा ही कोई अगर मक्का में करके दिखा दे, या वेटिकन में करके दिखा दे, या इसराइल में करके दिखा दे, छोटे छोटे से और पंथ हैं उनका करके दिखा दे, तो कत्ले आम हो जाए साहब, कत्ले आम हो जाए, ईश निंदा के नाम पर सर धड़ से अलग हो जाएंगे। वो चलता है ना हमारे लिए, कई लोग कहते हैं गुस्ता के फलाना, गुस्ता के ढिकाना, एक ही सजा, उससे जुदा ये इससे जुदा, तन सर से जुदा सर तन, ऐसी ऐसी बातें चलती है ना। तो ये क्यों, क्योंकि उनके देवी देवताओं के प्रति उनकी बहुत आस्था है, लेकिन हम देखो हमारे भगवानों को नचैया बना रहे। उन्होंने गोपियों को रास नहीं किया, उन्होंने ज्ञान दिया था, मोक्ष का ज्ञान दिया था, परलोक का ज्ञान दिया था, और हमारे यहाँ पर ऐसी 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 अनर्गल 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 बातें कही जाती है जिसे हमारा हिंदू सहज स्वीकार गटक लेता है। क्यों, क्योंकि वो अभी मैं बोलने वाला था, माफ करना, वो लिबरल बन रहा, मैं उसको और कुछ बोलने वाला था, लेकिन मैं भाषा की शैली को मर्यादित रखते हुए आप तक ये चर्चा पहुंचाना चाहता हूँ। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर YouTube जो ये पटल है इसकी बहुत सारी गाइडलाइंस है, उनको फॉलो करते हुए मैं, क्योंकि हमें लंबे समय तक कार्य करना, अगर मुझे आज ही बंद करवाना है तो मैं ऐसी दो चार बातें कहूंगा कि चैनल आज ही स्टॉप हो जाएगा, लेकिन हम वो नहीं करना चाहते। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि
हमारे ही देश के अंदर हमारे ही लोग लिबरल बनने के चक्कर, अरे देखो मेरे कृष्ण के बारे में बोल दिया, हम कृष्ण की भी समीक्षा कर सकते हैं। तेरी औकात है कृष्ण की समीक्षा करने की? तुच्छ तुच्छे तेरी औकात है? कोई भी अनपढ़ जाहिल गंवार दुष्ट मन के अंदर हिंदुत्व के और हिंदुओं के प्रति पाप भरा हुआ व्यक्ति लगता है किताबें लिखने, मैंने कृष्ण के ऊपर लिख दी, मैंने राम के ऊपर लिख दी, और अनर्गल अनर्गल तथ्य प्रस्तुत करता है। ये जो यहाँ पर आपके यहाँ पर जो ये चित्र मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कहीं भी पूरे शास्त्रों को अध्ययन कर लो आप, महाभारत जो ग्रंथ था उस समय का उसका अध्ययन कर लो आप, गीता जी में कहीं इसका जिक्र नहीं है। ये बिल्कुल अनर्गल तरीके से कुप्रचार करने की दृष्टि से हिंदुओं को मलिन बनाने के लिए यह दृश्य दिखाया गया। मैं इसको चैलेंज करता हूं, इनके पास अगर एक तथ्य है इस प्रकार से कभी हुआ है तो हमें वो बताएं। अरे हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण जिनका हमें जिनका जिनका स्मरण करने से हमारे अंदर शक्तियां आती है, उनको भोगेश्वर दिखाने के पूरे प्लान तैयार किए गए। क्यों? क्योंकि आपको बिगाड़ना है, आपको बिगाड़ना है। इसके लिए ये पूरी जो साजिश रची गई है इसके मूल कारण यह है कि आपको बिगाड़ना। इस प्रकार का कहीं भी कुछ नहीं हुआ। और फिर जब हिंदू ने स्वीकार कर लिया तो वो लिखते हैं दूसरे का, राधा तेरी कमरिया लचके डचके, ऐसे गंदे गंदे गाने। अभी वो आ गए मधुबन में राधिका नाची, तो दुनिया की जो सबसे वल्गर वासनांद वासना का प्रचार करने वाली एक दुष्ट, उसको मधुबन में राधिका नाचे रे। अरे वो आध्यात्म का गीत, राधिका मतलब भक्त, मधुबन मतलब पूरा ऐसा क्षेत्र जहां पर आध्यात्म की बयार हो। तुम क्या जानोगे मधुबन के बारे में पापियों दुष्ट कुप्रचार करने वालों, तुम मधुबन के बारे में क्या जानोगे? मधुबन में राधिका, राधिका एक भक्त का भाव है, एक भक्ति की उच्च 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 कोटि की एक शिखर का नाम है राधिका। तुम उसे बर्बाद करने के लिए लग गए। यहां पर हिंदुओं चूक हुई है मेरे भाइयों बहनों, हाथ जोड़ रहा हूं, यहां चूक हुई है। हमने हमारे और देवी देवताओं के खुलेआम अपमान करवाए, ऐसा दृश्य दिखा करके हिंदुओं के मन के अंदर यह बता देना कि तुम तो लंपट बन जाओ, तुम तो भोगी बन जाओ, तुम तो वासनांद हो जाओ, तुम तो पाप दुराचार को ही अपना धर्म मान लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे तो देखो महापुरुष, तुम्हारे तो देखो अवतार, तुम्हारे तो कृष्ण भगवान की 16,108 रानियां थी, तेरे पापा ने बताई थी। मैं बहुत क्रोध को काबू में रख करके यहां पर आपके बीच सरलता प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। हमारे मन उग्र नहीं है, विग्र है, घबराए हुए हैं कि आने वाली पीढ़ी के साथ क्या होगा, आने वाली हमारी पीढ़ी किस किस तरीके से बर्बाद हो जाएगी। और इसीलिए कह रहा हूं मेरे भाइयों बहनों कि अगर आपने हमारा सहयोग नहीं किया इस समय तो हमारी पीढ़ियां नष्ट 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 हो जाएंगी। तो हमारा आज का युवा क्या कर रहा है? मैं मुंबई में देखता हूँ, मैं मुंबई में देखता हूँ बहने जिस स्थिति में, एक बहन रात्रि को, अभी कुछ दिनों पूर्व की बात है, बहुत बहुत अधिक उन्होंने नशा किया हुआ था। उनके घर वालों को बुला करके हमने कहा तो वो बोले ये कल्चर है स्वामी जी, ये कल्चर है, ये अभी आपको नहीं पता, आप 21वीं सदी में नहीं, आप अभी शायद दूसरे युग में जी रहे हैं। मैंने कहा हम तो इसी युग में जी रहे हैं, आप नरक भोग रहे हो यहीं पर। हाँ, ये जो नशे चले हैं, अलग अलग गोलियां चल गई हैं, तो कैप्सूल चल गए हैं नाक से खींचने के, पता नहीं कौन कौन से केमिकल चल गए, उनके माध्यम से पूरी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे। और बता क्या रहे, देखो ना तुम्हारा भगवान भोलेनाथ भी तो चिलम खींचता था। भोलेनाथ नाम ही जिनका, भोलेनाथ महादेव, देवों के देव, देवता अपने अपने आराध्य को इसी ऐसे को स्वीकार करेंगे जो चिलम खींचते? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और हमारे यहाँ किताबें लिख दी, किताबें लिख करके वो बेस्ट सेलर बन गई। कुछ भी लिख दो आप, भगवान के ऊपर अनशन लिख दो, अनाप शनाप लिख दो, बेस्ट सेलर हो जाएगा वो व्यक्ति, उसकी बुक बेस्ट सेलर में आएगी।
ये हो रहा है कारण, और इसलिए मैं कह रहा हूं। और आप ये मत सोचिए कि स्वामी जी कुछ नहीं हो पाएगा, बदलाव आएगा, बदलाव आएगा, ला करके हम रहेंगे, हम दिखाएंगे, अपन सब मिलके लगेंगे ना, आप और हम मिलकर के जो शक्तिशाली कार्य करेंगे उससे सब कुछ होगा, सब कुछ होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो कार्य किए वो आज भी होंगे, क्यों नहीं होंगे। भारत माता की जय, जय हिंदू राष्ट्र। मेरे प्यारे सभी भाई और बहनों, यदि भारत का प्रत्येक एक हिंदू परिवार सिर्फ एक छूटे हुए, बिछड़े हुए, हमसे टूट गए, अपने रीति रिवाजों को भूल गए, उन पिछड़े लोगों को अगर गले लगा लेता है, उनकी घर वापसी करा देता है, तो भारत की समस्या का सभी मूल से नाश होगा और भारत एक सुख शांति और वैभवशाली देश बन पाएगा। इसलिए मैं सभी भाइयों बहनों से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस हमारे मिशन घर वापसी अभियान में सहयोग करें। एक एक परिवार हिंदुओं का, एक एक परिवार की घर वापसी के लिए लगे। भारत माता की जय, जय हिंदू राष्ट्र।